नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप, लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा, और मैं ट्रूली सेक्युलर अटायर में मुबारक। आप मेरे जिस्म पर देख रहे होंगे केसरी भी है, हरा भी है, वाइट भी है और ब्लू का भी एक शेड है। तो मैं इस अटायर में क्यों हूँ ये बताने के लिए मुझे आपको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी। अगर मुझे इस वीडियो का थंबनेल देना होता तो वो होता कंटेनर का कौतूहल। जब हम दिल्ली रहने वाले हम जैसे लोग जब आगरा मथुरा की तरफ बढ़ते हैं तो तुगलकाबाद में एक कंटेनर डिपो आता है जो आपको ट्रेन से दिखता है और जहाँ चारों तरफ कंटेनर ही कंटेनर होते हैं, और हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या होता है यहाँ पे। तो हम मुंबई आए थे, मुंबई के नवी मुंबई इलाके में ये सर्वेश्वर कंटेनर फ्रेट सर्विसेज है, राइट? तो यहाँ हम आए हैं, यहाँ यही सब काम होता है। बाहर से माल आता है, यहाँ से बाहर माल जाता है। तो हमने सोचा यहाँ पे एक वीडियो शूट कर लिया जाए, इसका पूरा मैकेनिज्म समझ लिया जाए। हमारे साथ शुभम बाल्दी हैं जो यहाँ सब देखते हैं, इसके इंचार्ज हैं। ये हमें इसका गणित समझाएंगे, इसका पूरा नेचर समझाएंगे, ये कैसे होता है। आप पीछे देख रहे होंगे कि एक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक मशीन है, क्या बोलते हैं इसको एग्जैक्टली? सर, इसको हम लिंडे या कलमार मशीन बोलते हैं। कलमार मशीन बोलते हैं। कितना वेट ये लिफ्ट कर लेती है? सर, ये एक कंटेनर को लिफ्ट करने के लिए केपेबल है, केपेबल है। 40 टन से लेके 50 टन तक ये लिफ्ट कर सकती है। 40 से 50 टन से ये लिफ्ट कर सकती है। तो एक और चीज़ बताइए, कंटेनर को लेके सबसे बड़ा सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो कि इस पे लिखा क्या होता है। ये जो देखिए ये लिखा है, आप अगर राशिद दिखा सके, इन सब कंटेनर्स पे अलग अलग तरह के नाम होते हैं। हम पहले समझते थे कि ये किसी कंपनी का नाम होता है जिसका माल आता है। सर, ये बेसिकली जो कंटेनर पे लिखा हुआ है ये शिपिंग लाइन के नाम लिखे हुए हैं, जैसे आप उधर देख सकते हैं CMA CGM लिखा हुआ है। शिपिंग लाइन यानी वो जहाज़ रानी कंपनी जो क्लाइंट्स का माल इधर उधर करती है, यानी वो ये उस कंपनी का नाम होता है इस पे, यानी कि ये जो भी प्रोनाउंस होता हो मेरस मर्क्स कंपनी है ये, ठीक है। तो इस ये वाली कंपनी जो है वो अलग अलग कंपनियों का माल जो है इधर उधर जहाज़ के द्वारा भेजती है। कंपनी सर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है शिपिंग लाइन में, अगर हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज। हाँ, क्योंकि इनके बहुत सारे कंटेनर हमने देखे, ठीक है। और ये क्या कोई कोडिंग भी होती है इसकी? सर, इन सब कंटेनर के ऊपर आप देखेंगे एक यूनिक नंबर लिखा हुआ है, तो वो यूनिक नंबर जो है वो कंटेनर का नंबर है। हर एक कंटेनर को एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वो एक्चुअली हमारे ट्रैकिंग के लिए जो भी काम होता है हम वो उसी यूनिक कंटेनर नंबर से ही ट्रैक करते हैं उस कंटेनर। अच्छा, आप इस तरह से ट्रैक करते हैं। तो बेसिकली हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वहाँ हमें काम की चीज़ें और मिलेंगी। बेसिकली जब विदेश से माल आता है या यहाँ से माल भेजा जाता है तो इसका पूरा प्रोसेस जो है वो आपके यहाँ से होता है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कस्टम का भी कुछ होता है? हम बेसिकली इन कंटेनर्स के कस्टोडियन हैं। अच्छा। हम अलग अलग कस्टमर्स के कंटेनर्स, यानी रखवाले हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। एक्चुअली देखा जाए तो जो भी इंडिया से बाहर सामान जाता है या बाहर से इंडिया सामान आता है उन सबको एक कस्टम क्लेरिफिकेशन लगता है। उन सब के लिए जो कस्टम नोटिफाइड एरिया होता है कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सर्वेश्वर भी एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन है, यहाँ पे आपके जितने भी सामान या जितने भी कंटेनर्स आते हैं उनका कस्टम क्लेरिफिकेशन होता है। कस्टम क्लेरिफिकेशन होने के बाद में हम इन सामानों का स्कैनिंग करते हैं। कस्टम इनका स्कैनिंग करने के बाद में इनको ओके देता है, उसके बाद में हम इनको बाहर बेच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इनको बाहर बेच सकते हैं। तो किस किस तरह का मटेरियल आता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है, आप थोड़ा समझा पाएंगे? सर, हम एकदम अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे सिंपल ही चाहिए, हम लोग सिंपल ही प्रेफर करते हैं। सर, यहाँ से सबसे पहले अगर हम इम्पोर्ट प्रोसेस की बात करें तो इम्पोर्ट यानी बाहर भेजने वाली चीज़? नहीं नहीं, जो हमारे अच्छा इम्पोर्ट करने का, एक्सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है भाई। अगर हम इम्पोर्ट प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले बाहर की कंट्री, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यूएसए की। यूएसए से अगर आपको कोई यहाँ पे मशीनरी लानी है, ठीक है, तो वहाँ से वो एक्सपोर्ट होगी यूएसए से एक शिपिंग लाइन के अंदर एक कंटेनर में पैक होके, वो ship में यहाँ पे इंडिया आएगी। हम बेसिकली जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के पास में है, JNPT के पास में, तो हम लोग JNPT का हैंडल करते हैं। JNPT में जो भी कंटेनर आता है उसके बाद में हम अगर उसके नॉमिनी हैं, कस्टमर हमको नॉमिनेट करता है, अगर हम उसके नॉमिनी हैं तो हम उस कंटेनर को हमारे CFS में लेके आते हैं। अच्छा, CFS में लेके आने के बाद में उसका कस्टम क्लेरिफिकेशन होता है। कस्टम क्लेरिफिकेशन होने के बाद में हम उसको स्कैनिंग में भेजते हैं। स्कैनिंग में भेजने के बाद में वो कस्टम उसको ओके देता है और हम उसको बाहर गेट आउट करते हैं। बाहर गेट आउट करते हैं। तो क्या आप पर कुछ लिमिटेशंस होती है, कोई लिस्ट होती है कि इस तरह का सामान आना होगा, या ये क्लाइंट ही खुद देखता है, आपको सिर्फ कस्टोडियन ही है? सर,
हम अगर कस्टम नोटिफाइड एरिया बोल रहे हैं इसको, तो हमारे पास बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जी। ये पूरा जैसे आपने हमें ये पहना दिया कि भाई जहाँ लिफ्ट चल रही है वहाँ जाना है तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना होगा, इसी वजह से हम इस अटायर में हैं। तो ये जितना भी आप नोटिफाइड एरिया देख रहे हैं इसमें कस्टम के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। यहाँ पे आपको हर जगह कुछ ना कुछ मार्किंग्स दिखेगी, ये कस्टम नोटिफाइड मार्किंग होती है। और इस कस्टम नोटिफाइड मार्किंग के अगेंस्ट में हम अगर कुछ भी करें तो कल को कस्टम हम पे एक्शन ले सकते हैं, कल को कस्टम। उसके अलावा यहाँ पे कस्टम ऑफिस भी है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 13 कस्टम्स के ऑफिसर बैठते हैं, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन। इस प्रीमिसेस में 13 कस्टम ऑफिसर्स बैठते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो वो चीज़ें रेगुलेट करते हैं स्मूथली जो भी हो। हाँ अच्छा, तो मान लीजिए कोई सामान मुझे मंगाना है, मैं एक स्मॉल बिजनेसमैन हूँ, मुझे एक छोटी कंपनी लगानी है, कारखाना खोलना है, और मेरी मशीनरी जो है वो जापान से आनी है, तो क्या प्रोसेस होता है इसका? सर पहले तो वहाँ पे जो भी आपको मशीन भेजने वाला आदमी है वो आपको शिपिंग लाइन के थ्रू आपको सामान कंटेनर में लोड करवाएगा, वो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर वहाँ पे करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी, ये कंटेनर नंबर है, शिपिंग लाइन का बिल आता है, और उसके बाद में वो शिपमेंट शिप होके इंडिया में आता है। अच्छा। इंडिया में आने के बाद में जिस भी पोर्ट पे वो आता है वहाँ से फिर वो CFS में आता है, CFS के बाद आने के बाद में यहाँ पे कस्टम क्लेरिफिकेशन होने के बाद में वो चीज़ बाहर जाती है। ठीक है, तो आपने हमें कंटेनर की मार्किंग बता दी, तो आप स्टोरेज कहाँ करते हैं सब? सर हमारे पास स्टोरेज के लिए एक वेयरहाउस है। ओके। ये 60,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस है। वेयरहाउस जहाँ हम अभी जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कितना है उसका एरिया बताया? 60,000 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो और ये आपके पूरे इसमें वर्किंग मतलब जो मूवमेंट हो रही है, जो डील्स हो रही है, ऐसे कितने कंटेनर एक वक्त में होते हैं? सर हम लास्ट मंथ हमने कुछ 5,500 कंटेनर्स हैंडल किए थे। अच्छा, तो ये वेरी करता रहता है आपके सीज़न टू सीज़न, आपके टाइम टू टाइम। अगर रेनी सीज़न है तो थोड़ा वेरिएशन कम हो, मतलब कम होते हैं कंटेनर उस टाइम पे कुछ। अगर जैसे अभी दिवाली का टाइम है तो इंपोर्ट ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे ज़्यादा कंटेनर हैंडल करने होते हैं। हमारी कैपेसिटी सर 8,000 से 9,000 कंटेनर हैंडल करने की है। एक्सपोर्ट में आपके यहाँ ज़्यादातर कौन सी चीज़ें होती है जो बाहर जाती हैं? सर एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ पे कॉटन बाहर जाता है, पल्सेस बाहर जाती हैं, स्पाइसेस बाहर जाते हैं, उसके अलावा जो इंडियन मेड चॉकलेट्स होती हैं वो बाहर जाती हैं, इंडियन मेड टॉयज होते हैं वो बाहर जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए आपके, फिर आपका यूपी उत्तर प्रदेश से हमारे यहाँ पे गलीचा आता है, गलीचा जो होता है बिछाने का। अच्छा। वो आते हैं हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जितने भी टाइप के आपके इंडियन मेड मेडिसिंस हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं बाहर। हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ एक्सपोर्ट होता है तो वो होती है हमारी मेडिसिंस, स्पेसिफिकली आयुर्वेदिक, नॉट आयुर्वेदिक, केमिकल जो भी आपका एलोपैथिक मेडिसिन है सब। हाँ। ये वेयर हाउस है, अभी हम इसमें जाएंगे, आप हमें इसमें भी बताइएगा कि कैसे कैसे काम होता है यहाँ पर। और एक्सपोर्ट में आप चॉकलेट बता रहे थे, तो उसका भी सेम प्रोसेस रहता है कि पहले यहाँ आपके क्लाइंट भेजता है उसके बाद? पहले एक्सपोर्ट में क्लाइंट अपने ट्रक्स में लोड करके यहाँ पे हमारे कंटेनर फ्रेट स्टेशन में भेजता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन में आने के बाद में उस एक्सपोर्ट की चीज़ का हमारे यहाँ पे वेयरहाउस में लोडिंग होती है, वेयरहाउस में लोड होने के बाद में ये बिल्कुल ये हमारा वेयरहाउस है, यहाँ पे लोडिंग कार्टिंग होने के बाद में इसका स्कैनिंग होता है, इसके बाद में ये कंटेनर में स्टफ होता है और यहाँ से फिर ये शिपिंग लाइन के थ्रू बाहर जाता है। अगर हम अपनी हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारी इंडस्ट्री में आप यहाँ पे जब भी आए होंगे तो आपने वॉल्यूम में कंटेनर्स देखे होंगे बहुत, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो शिपिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, बट इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। अगर आप रेलवेज़ की बात करें, एयर फ्रेट की बात करें, शिपिंग इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज एक साथ एक वेसल के अंदर 1,000 से ज़्यादा कंटेनर आ सकते हैं, 1,000 से ज़्यादा कंटेनर, और एक कंटेनर के अंदर हम 40 से 50 टन माल लोड कर सकते हैं। 40 से 50 टन माल लोड, तो ये तो बहुत बल्क में आता है एक वेसल, वेसल यानी कि एक जहाज़, राइट? बिल्कुल, एक जहाज़ जो आप उसको बोल सकते हैं, जब आप कभी सी के अंदर गए होंगे तो आपने बड़े बड़े जो शिपमेंट देखे होंगे उसके अंदर कम से कम मिनिमम से मिनिमम अगर हम बात भी करें तो 700 से 800 कंटेनर एक टाइम पे लोड होते हैं, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो कई कंटेनर्स, कई वेसल ऐसे भी हैं जहाँ पे हम 2,000 से 3,000 कंटेनर्स भी देख सकते हैं। कितनी कंट्रीज़ में डील होता है? सर हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट अभी तक हम
हमारे को सिटी पैड का लाइसेंस भी है, हमारे पास हैज का लाइसेंस भी है, तो हम ओवर एंड अबाव 120 कंट्रीज में डील करते हैं। 120 कंट्रीज में डील करते हैं, यानी दुनिया के जितने देश है आधे लगभग आप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेयर हाउस है, क्या सिस्टम है यहाँ का, कुछ बताएंगे आप? सर यहाँ पे आपने देखा होगा जो एक्सपोर्ट लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो एरिया है ये एक्सपोर्ट के लिए बना हुआ है एरिया है, ये कस्टम नोटिफाइड होता है सब। वो जो आप बैरिकेटिंग देख रहे हैं, बैरिकेटिंग के उस तरफ जो एरिया है, बिल्कुल बैरिकेटिंग के उस तरफ जो भी एरिया है वो इम्पोर्ट के लिए है। तो यहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट में आप देखेंगे सबके ऊपर एक स्लिप लगा होगा सर्वेश्वर लॉजिस्टिक्स का, SLSPL, बिल्कुल इसमें, हाँ बिल्कुल इसमें शिपिंग बिल नंबर लिखा है, इसमें एक्सपोर्टर का नाम लिखा है, इसमें CHA का नाम है, एजेंट जो है, ट्रक नंबर, कार्टिंग डेट। ये CHA मतलब क्लियरिंग हाउस एजेंट रहते हैं। अच्छा, ये कस्टमर अपने एक CHA को हायर करता है जो कि यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है उसकी देख रेख करने के, जो मतलब कस्टम से भी माल वाल जो बाहर आए वो नहीं नहीं कस्टम वालों को हैंडल करने के लिए, और हमारे बीच में जो एक लिंक होता है वो क्लियरिंग हाउस एजेंट होता है। अच्छा, तो जो ये सी से चीज़ें आती हैं इसमें कई बार ये बताया जाता है कि भाई कुछ चीज़ें जैसे स्मगलिंग वाली बात होती है, ये तो इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए कोई सेफ्टी मेजर्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस तो होते ही होंगे, आपके लिए कोई गाइडलाइंस होती हैं? सर बिल्कुल, हमारे लिए जो गाइडलाइंस हैं उसमें ऐसा है कि जब भी कोई कंटेनर हमारे CFS में आता है तो उसका गेट पर एक फ़िज़िकल चेकिंग होती है कि वो डैमेज है कि नहीं है। अब गेट पे देखेंगे तो एक 7 चेकिंग पॉइंट मार्क लगाया हुआ है वहाँ पर। अच्छा, तो 7 तरह से एक कंटेनर की चेकिंग होती है। 7 तरह से होती है? बिल्कुल, वो कि सिर्फ फिजिकल है, उसके बाद में जब ये वेसल पोर्ट पे आता है। बता पाएंगे थोड़ा सा एक दो तरीका क्या होता है? एक दो तरीका तो सिंपली सर हम वेसल के साइड में देखते हैं, वेसल के नीचे देखते हैं कोई ब्रेकेज तो नहीं है, कंटेनर की सील देखते हैं, हर एक कंटेनर के ऊपर एक सील लगी होती है, अगर वो सील ब्रेकेज है तो मतलब वो डैमेज कंटेनर है, डैमेज कंटेनर है तो कस्टम को नोटिफाई करना होता है उसके लिए। जो भी कस्टमर जो कस्टम ऑफिसर होते हैं वो उसके बाद उस पर एक्शन लेते हैं। ओके, अच्छा ये इतना बड़ा तामझाम है, इसका हिसाब किताब कैसे रखते हैं? सर हिसाब किताब रखने के लिए आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ जी, तो उसमें जितना भी ऑपरेशन है हर एक ऑपरेशन की स्टेज पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, और उस डॉक्यूमेंटेशन को करने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप को यूज़ किया है, व्यापार ऐप। अच्छा, उससे हमारा जितना भी ऑपरेशन है वो ट्रैक होता है। अगर मैं अपने CFS के बाहर भी कहीं पे अपने घर पे बैठा हूँ तो मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ मोबाइल से ही। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल। तो ट्रूली डिजिटलाइजेशन हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, और हमारी इंडस्ट्री में बिना डिजिटलाइजेशन के कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब कुछ तक नहीं हो सकता जब तक हम इन सब चीज़ों का ट्रैक नहीं रखेंगे तब तक, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना बल्क में ये वॉल्यूम है सब, तो इसके लिए हमको डॉक्यूमेंटेशन रखना पड़ता है, और डॉक्यूमेंटेशन को रखने के लिए डिजिटलाइजेशन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और उसके अलावा जो भी है जितना भी हम बिलिंग वगैरह करते हैं वो सब व्यापार ऐप के थ्रू होता है, हमारा इन्वॉइसिंग जो होता है वो व्यापार ऐप के थ्रू होता है, तो वो ऐप्स ये सारी चीज़ें हैंडल कर लेता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ जो लोग आसपास रहते हैं किसी से बात हो सकती है? बिल्कुल, जो यहाँ काम करते हो। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? शैलेश गावंड। शैलेश गावंड। गावंड, आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ सर, इधर ही आसपास। तो कितनी दूर से आते हैं आप? इधर से 5-6 किलोमीटर। 5-6? कैसे आते हैं? बाइक लेकर आते हैं। क्या समस्या है आपके यहाँ बताइए? सर यहाँ की लोकल समस्याओं की अगर हम बात करेंगे जी, तो इस तालुके में एक भी बड़ा अस्पताल नहीं है। हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, अगर अच्छा, कुछ इमरजेंसी केस हो गया तो इधर से वाशी, नवी मुंबई या पनवेल लेके जाना पड़ता है, ये बड़ी समस्या है इधर की। और दूसरा समस्या की अगर बात करेंगे तो ट्रैफिक की समस्या इधर बहुत है। ट्रैफिक की, अगर हमको किधर बाहर जाना पड़ता है तो ट्रैफिक नहीं रहेगा तभी जाएंगे ऐसा सोच के निकलना पड़ता है। अच्छा, और तीसरी इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, जबकि आप लगभग मुंबई में ही हैं। मुंबई में है लेकिन इतना इंडस्ट्रीज है कि उस हिसाब से इधर प्लानिंग नहीं हो रहा है। अच्छा, कि कितना इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किस किस। मैंने सुना कि यहाँ आसपास यही मेजरली यही काम होता है, राइट? बिल्कुल। तो ये इंडस्ट्री रोज़गार भी जनरेट करती होगी, किस किस तरह के रोज़गार जनरेट करती है, क्या और फिर क्या फैसिलिटीज़ देती है एम्प्लॉयज़ को? सर ये इंडस्ट्री के अंदर JNPT सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, JNPT के बाद 3 और पोर्ट हैं इंडिया में। सबसे बड़ा पोर्ट JNPT? इंडिया में सबसे बड़ा। 55% कंटेनर हैंडलिंग जो है वो JNPT अकेला JNPT करते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है,
तो जितना भी यहाँ पे बिजनेस है वो ऑल टुगेदर एक क्लब्ड बिजनेस बोल सकते हैं हम उसको, एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर आज हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हम लेबर की बात करें, हम कैंटीन, जैसे हमारी सीएफएस में कैंटीन है, वो भी एक टाइप से इनकम ही है उन लोगों के लिए। तो जितना भी यहाँ पे काम होता है वो सब उसी जेएनपीटी से लिंक्ड है। अच्छा। शिपिंग से लिंक्ड है। आज हम अगर आप इस पूरे एरिया में घूमोगे तो आपको सिर्फ कंटेनर ही कंटेनर दिखेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेंगे। कंटेनर के अलावा यहाँ पे वेयरहाउसिंग बहुत होता है यहाँ पे, जितने भी एरिया में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे वेयरहाउसेज हैं, अलग अलग साइज़ के वेयरहाउस हैं। तो स्टोरेज एंड शिपिंग, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक इज़ द ओनली बिजनेस इन दिस एरिया। तो उस हिसाब से यहाँ की सड़कें तो उतनी स्मूथ है नहीं? बिल्कुल सर, सड़कें स्मूथ नहीं हैं, बट यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी प्लानिंग वगैरह की है, अभी सड़कों का काम चालू है। अभी कागज़ों पर हैं, जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा देखिए। नहीं नहीं सर, इम्प्लीमेंट कैसा है कि इम्प्लीमेंटेशन अभी चालू है, में अभी आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट यही है कि सड़कें अच्छी हो, और दूसरा कि आपने बताया था कि आपका बल्क कंजम्पशन जो है वो डीजल का है, राइट? तो जैसे ही डीजल का प्राइस शूट होता होगा तो आपका तो बजट गड़बड़ा जाता होगा, राइट? बिल्कुल सर, यहाँ पे हमारे सीएफएस में हम कम से कम 30 से 35 इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, हर इक्विपमेंट के लिए डीजल कंजम्पशन होता है। अच्छा। तो जैसे ही डीजल की प्राइसेस में फ्लक्चुएट होता है वो हमारा सीधा इम्पैक्ट उसका हमारे बिज़नेस पे होता है। तो अगर आज डीजल की प्राइस कुछ 1 से 1.5 रुपये फ्लक्चुएट हुई तो कल को उसका रेपुकेशन हमको बेयर करना, आपको ही बेयर करना पड़ता है, कोई और नहीं करता है, आपका साझेदार कोई नहीं है कि आप आगे बिल ज़्यादा दे दो, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है? नहीं सर, वो जैसे इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, अगर आज हमने अपना रेट बढ़ाया तो वही कॉस्ट बाकी के जो प्लेयर हैं इंडस्ट्री में वो भी बेयर करते हैं, तो वो लोग भी अपना कॉस्ट बढ़ाते हैं। तो वैसे अभी हम इस इंडस्ट्री में, हमको आए हुए काफ़ी लाइक हम बहुत नए प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में, 2 साल हुए हैं, बट जिस हिसाब से हमने ऑटोमेशन रखा है अपनी सीएफएस में, हम वन ऑफ द बिगेस्ट सीएफएस हैं इस पूरे एरिया में, और सबसे सीएफएस एज इन कंटेनर फ्रेट स्टेशन, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जहाँ कंटेनर्स लाके रखे जाते हों, या तो बाहर भेजे जाने के लिए या क्लाइंट तक पहुँचा। बिल्कुल, सिंपल भाषा में है। शुभम हमारे साथ थे, इन्होंने हमें एक नई तरीके की दुनिया से परिचित कराया, जो सामान आप तक पहुंचता है वो कहां कहां से होकर गुजरता है, समंदर की लहरों पर से होकर ज़मीन पर आकर ट्रकों तक जाकर और फिर न जाने कहां कहां से आपके घर तक पहुंचता है। ये एक दिलचस्प रहा हमारे लिए। हम नवी मुंबई में हैं, दिघोड़े गांव है ये, यहां से हम आगे लातूर जाने वाले हैं, लातूर वाले दोस्त हमें ज़रूर मिले। हमारी एक और टीम महाराष्ट्र में चुनाव कवर कर रही है, स्वाति और अमितेश, वो शाम तक नासिक पहुंच जाएंगे, कल वो नासिक कवर करेंगे। आप लल्लनटॉप की चुनावी यात्रा देखते रहिएगा, आपको हम नए और दिलचस्प वीडियो देते रहेंगे। मैं मुबारक हूँ और कैमरे के पीछे राशिद हैं। नमस्कार।